हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2020 की विस्कर अवे ये जापनीज एनिमी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक लड़की एक लड़के से बहुत ही प्यार करती है, पर वो लड़का उसे भाव नहीं देता। इसी वजह से वो कैट में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैजिकली कन्वर्ट हुई होती है तो इसका बैकलैश भी उस पर आता है। तो क्या गड़बड़ होती है इस मूवी में हम देखेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम है मियो। मियो एक फेस्टिवल में आई हुई होती है, उसकी मदर के साथ वो आई हुई होती है। उसकी जो मदर थी वो जब बहुत ही छोटी थी तब उसे छोड़कर चली गई थी, पर अब वो जब बड़ी हो चुकी है तो वो वापस आ गई है। मियो के फादर ने एक नई शादी कर ली थी, उसकी स्टेप मदर भी है। तो उसकी मदर अब उसे कह रही होती है कि तुम्हारे स्टेप मदर को तुम कहो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम मेरे साथ आकर रहो। मियो उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मियो को अब अकेला रहना होता है। तो फेस्टिवल में अपनी मदर को छोड़कर वो अकेले चलने लग जाती है। जब वो आगे जाती है तब उसे एक बड़ा सा कैट आदमी दिखता है। ये जो आदमी होता है ये कैट मास्क सेल कर रहा होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि आप तुम्हें ट्राई करना है। इसके बाद हमें डायरेक्टली मियो स्कूल में दिखाई गई है। मियो अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे फिर हिनोदे दिखता है। ये वही लड़का होता है जिससे वो बहुत ही प्यार करती है। फिर वो भाग भाग कर जाती है और उसे टकरा जाती है और कहती है हिनोदे सनराइज। ये उसकी एक ट्रेडिशन होती है, जब भी वो हिनोदे को देखती है तब तो उसे जाकर टकरा जाती है और हिनोदे सनराइज बोलती है। यानी कि उसकी दिन की शुरुआत अब हिनोदे को मिलने के बाद ही हुई है। उसे ये कर बहुत ही सही लगता है। हिनोदे का फ्रेंड भी उसे चिढ़ाता है, उसे रोकने के लिए बोल रहा होता है, पर हिनोदे कहता है कि मैं ये नहीं रुक सकता, मैं वेट नहीं कर सकता यहाँ से जाने के लिए। मियो बहुत ही रोमांटिक होती है, उसे अलग ही लगता है। उसे लगता है कि वो वेट नहीं कर सकता, उसे मेरे साथ ही रहना है। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, पर मियो ये मानने के लिए रेडी नहीं होती। वो उसे फिर एक किस्सा सुनाती है। वो कहती है कि जब तुम फेस्टिवल में मेरे साथ नहीं आई थी तब मैं हिनोदे से मिली थी। हिनोदे और मैं हमने नाइट स्पेंड की थी। हिनोदे कह रहा था कि इस वर्ल्ड में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर अगर ये वर्ल्ड डिसअपेयर हो गया तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। हिनोदे भी मेरे तरह ही रोमांटिक है, ऐसा उसके फ्रेंड को कहती है। उसकी फ्रेंड इस पर बिलीव नहीं कर पाती है और कहती है कि आओ फिर से इस दुनिया में आओ, अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आओ। और फिर ये दोनों घर जाने लग जाते हैं। जब मियो घर पर आती है तो उस घर के बाहर एक ओल्ड लेडी होती है। वो मियो से पूछती है क्या तुम्हें वास्ते से खाना खिलाती है। यानी कि मियो की मदर ने उस ओल्ड लेडी को पैसे देकर उससे ये पूछने के लिए बोला था। मियो की स्टेप मदर ये देखती है और फिर मियो घर पर आ जाती है। मियो की स्टेप मदर एक टीचर होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, कंपैशनेट होती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें आइसक्रीम वगैरह चाहिए। मियो नहीं बोलती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। उसे और एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। वो फिर वो मास्क निकालती है जो उस कैटमैन ने उसे उस फेस्टिवल में दिया था। उसको पहनने के बाद वो मैजिकली कैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो हिनोदे से मिलने जा रही होती है। हिनोदे जो होता है वो अपने घर पर होता है। हिनोदे को अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाना होता है। वो पॉटरी करते हैं और हिनोदे को भी पॉटरी करना बहुत ही अच्छा लगता है। हिनोदे की मदर जो होती है वो स्ट्रिक्ट होती है, उसे बोलती है कि पहले होमवर्क कंप्लीट करो और फिर अपने ग्रैंड डैड के यहाँ जाना। हिनोदे कहता है कि आज मुझे होमवर्क नहीं है और घर से बाहर निकल जाता है। अपनी जो कैट होती है उसे ढूंढने लग जाता है। यही कैट हमारी मियो होती है और इस कैट का नाम उसने तारो रखा होता है। ये उसके ओल्ड डॉग का नाम होता है, इसलिए वो उसे तारो पुकारता है। हिनोदे अपनी मदर से परेशान होता है तो अपने ग्रैंड डैड को यह कहता है। उसके ग्रैंड डैड कहता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें ज्यादा कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। हिनोदे के पास फिर मियो आती है। हिनोदे को लगता है कि ये हंग्री होगी तो इसके लिए उसके लिए खाना बनाता है। मियो भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो फिर उसे बहुत सारा खाना देता है। वो कहता है कि मुझे फैट कैट पसंद आती है। हिनोदे जब घर पर आता है तो उसकी सिस्टर तारो को ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि वो उसकी कैट है, पर हिनोदे उसे कहता है कि नहीं ये हमारी कैट नहीं है, ये मुझे फेस्टिवल मिली थी। यानी कि मियो जो उसके फ्रेंड को कह रही थी कि वो फेस्टिवल में हिनोदे के साथ थी, तो एज अ कैट या एज अ तारो वो उसके साथ थी। मियो को आज बहुत ही अच्छा लगा होता है हिनोदे के साथ रहकर। जब रात होती है तो अभी भी वो कैट ही होती है। वहां फिर से वो कैट आदमी प्रकट हो जाता है। उसे कहता है कि ये कैट बनना बहुत ही अच्छा है। वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम परमानेंटली कैट बनना चाहती हो तो तुम्हारा ह्यूमन फेस मुझे दे दो। ये जो ह्यूमन फेस होता है अगर कोई कैट इसे पहन लेगी तो ह्यूमन बन सकती है, इसीलिए उसे मांग रहा होता है। मियो इसके लिए रेडी नहीं होती। उसका प्लान होता है कि कैट बनकर वो हिरोदो को जान लेगी और फिर एज ए ह्यूमन उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, इसलिए उसे मना कर देती है।
जब रात में मियो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खा रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो वो कहती है कि हिरोदो को फैट कैट्स पसंद है। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि हिरोदो कौन है, क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वह सब मना कर कर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट दिन जब हिरोदो होमवर्क कर रहा होता है तब एज अ कैट एज अ तारो वो उसके पास आ जाती है। हिरोदो के पास आने पर उसे पता चलता है कि हिरोदो कल अपना लंच खुद ही बनाने वाला है। हिरोदो तारो को बहुत ही लाइक करता है, वो कहता है कि तुम्हारी स्मेल सन की तरह है। अब मियो को हिरोदो का लंच खाना होता है इसलिए वो कुछ प्लान बना रही होती है। तभी उसे दो लड़के दिखते हैं कि जो हिरोदो के बारे में बोल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हिरोदो की ग्रेड्स ज्यादा ही अच्छी हो गई है, वो 100% कुछ ना कुछ तो चीट कर रहा है। इस पर मियो बहुत ही चिढ़ जाती है, वो ऊपर होती है और नीचे वो जंप मार देती है। इस जंप मारने की वजह से वो झाड़ियों में गिर जाती है और थोड़ी सी हर्ट भी हो जाती है। वो उसे कहती है कि हीरो तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो कुछ चीट वगैरह नहीं कर रहा। हीरो तो जब ये देखता है कि वो हर्ट हो चुकी है तो उसके पास हो जाता है। वो उसे कहता है तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है, फिर वो उसे लेकर जाता है और लंच में भी वो उसके साथ ही उसे बैठाता है। हीरो तो ने पोटैटोस लाए होते हैं, जब मियो टेस्ट करती है तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। मियो जब छोटी थी तो उसकी मदर उसके लिए ऐसे पोटैटोस बनाती थी, ये टेस्ट कर कर वो बहुत ही खुश होती है और पूरे वर्ल्ड को बताना चाहती है, इसलिए वो चिल्लाने लग जाती है। हिरोदो भी ये देखकर हंसने लग जाता है। वो फिर कहती है कि मैंने आज हिरोदो को हंसना सिखाया है। मियो जब घर पर आती है तो बहुत ही एक्साइटेड होती है, वो फिर से हिरोदो के घर पर आ जाती है। हिरो जब घर पर आता है तो उसकी मदर उससे बात कर रही होती है, उसे कह रही होती है कि तुम्हारे जो पॉटरी है अब हमें सेल करना पड़ेगा। वो फाइनेंशियली इतनी इफिशियंट नहीं होती पर हिरोदो को ये बहुत ही अच्छी लगती है, उसका ये पैशन होता है। उसे बोलना होता है कि उसे यही करना है पर ये वो बोल नहीं पाता। वो मेरी रात में अपने पॉटरी में आकर बैठ जाता है, वो पॉट बनाने लग जाता है। मियो भी उसके पास आकर बैठती है, उसे सब कुछ अपना मन का हाल वो कहता है कि उसे यही करना है पर वो बता नहीं पा रहा। वो फिर वंडर करता है कि मियो अगर उसकी जगह पर होती तो क्या करती। मियो आउट स्पोकन होती है, उसे जो भी कहना होता है वो कह देती है, जो भी करना होता है वो कर देती है। उसे लगता है कि अगर मियो उसकी जगह पर होती तो वो क्या करती, वो वंडर कर रहा होता है। मियो को अब लगता है कि एज अ कैट वो उसे हेल्प नहीं कर पा रही है, पर मियो होकर वो उसे हेल्प कर सकती है, उसे इमोशनल सपोर्ट दे सकती है। जब वो घर आ रही होती है तब कैटमैन फिर से अपीयर हो जाता है। वो उसे फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें कैट बनना अच्छा लग रहा है, क्या तुम परमानेंटली कैट बनना चाहती हो। फिर वो उसे ना कर देती है, वो फिर भी उसे सोचने के लिए बोल देता है। मियो जब घर पर आती है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंतित होते हैं। जब उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं तो वो अपने रूम में नहीं होती तो इसलिए वो डर चुके होते हैं। पर मियो जब घर पर आती है तो उन्हें कहती है कि मैं रूफ टॉप पर थी, तुम्हें तो वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मियो फिर डिसाइड करती है कि वो हिरोदो को अपनी फीलिंग्स का एक लेटर लिखेगी। ये लेटर वो लिखती है और नेक्स्ट दिन क्लासरूम में आती है। क्लासरूम में आने के बाद वो जो लड़के थे जो हमेशा हिरोदो को परेशान करते हैं, मियो को भी परेशान करते हैं, ये लेटर उसे छीन लेते हैं। ये लेटर छीन कर ये बहुत ही आउट लाउड ये पढ़कर सुनाते हैं। इस लेटर में लिखा होता है हिरोदो सनराइज उसके लिए बहुत स्पेशल है, उसका दिन अच्छा जाता है और इससे एक्चुअल में उसके दिन की शुरुआत होती है। उसे हिरोदो बहुत ही पसंद है। और उसके बाद इसमें यह भी लिखा होता है कि हम दोनों बहुत ही सेम है। हिरोदो जैसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता वैसे मियो भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती, ये इस लेटर में लिखा होता है। फिर लड़के हिरोदो से अपना सवाल पूछते हैं। हिरोदो मियो को रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि मियो बहुत ही पुशी है, वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो उस पर चिढ़ गया होता है, वो बोलता है कि तुमने मेरे फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा और ये लेटर लिख दिया। हिरोदो उसे हेट करता है ये कहता है और फिर मियो रोने लग जाती है। मियो रोते रोते बाहर निकल जाती है। मियो तो अब बहुत ही अपसेट होती है और अपने रूम में रो रही होती है। तभी उसकी स्टेप मदर वहां आती है, उसकी स्टेप मदर उसे चाय के लिए बुला रही होती है पर मियो उसके लिए मना कर देती है। मियो की स्टेप मदर अब उसे अपसेट देखकर उससे बात करती है, वो कहती है कि तुम्हें हमेशा स्माइल करते नहीं रहना है, तुम्हें अगर सैड लग रहा है तुम ये जता सकती हो, तुम जब मेरे पास होती हो तो प्रिटेंड करती हो पर तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे साथ होना तुम्हारे लिए हार्ड है। पर मियो अब उस पर चिढ़ जाती है, वो कहती है हमेशा मैं एंग्री ही रहती हूँ इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को दबा देती हूँ और खुश रहने का ट्राई करती हूँ और तुम मुझे ये भी नहीं रहने दे रही हो। फिर ये कहकर वो अपना मास्क लेती है और बैल्कनी से कूद जाती है। उसकी मदर उसे ढूंढती है, उसे वो ढूंढ नहीं पाती। वो अब कैट बन चुकी है और हिरोदो के पास आ जाती है। उसने अब डिसाइड किया होता है कि वो एज ए ह्यूमन उसे हेल्प नहीं कर सकती, कैट बनकर तो वो उसके पास रह सकती है।
हिरोदो के पास वो आती है तो हिरोदो फिर से उसे स्मेल करता है। फिर उसे याद आता है कि मियो की और इस कैट की दोनों की स्मेल सेम है। उसे फिर रियलाइज होता है कि वो मियो से प्यार करता है। ये बात अभी भी मियो को पता नहीं है। जब रात होती है तो हिरोदो के साथ ही वो सो जाती है। जब सुबह होती है तो कैटमैन वहां आ जाता है। वो उसे फिर से पूछता है क्या तुम अब रेडी हो, और मियो इस बार रेडी होती है। वो अपना ह्यूमन मास्क वही उतार देती है। फिर एक कैटमैन उसे कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए कैट बन चुकी हो। ये जो मास्क होता है, इस मास्क से वो फिर से ह्यूमन बन सकती है, पर ये मास्क वो लेकर जा रहा होता है। मियो घर से निकल गई थी और रात भर वो वापस नहीं आई। तब उसके पेरेंट्स अब बहुत ही चिंतित होते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए उसके स्कूल में आते हैं। हिरोदो से भी मिलते हैं। हिरोदो से पूछते हैं कि वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है या नहीं। हिरोदो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मियो की फ्रेंड भी कहती है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं थी। हिरोदो को मियो मिसिंग हो गई है, इसकी वजह से बहुत ही बुरा लगता है, तो अब वो उसे ढूंढना चाहता है। मियो की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ये मत करो, अगर तुम मियो को सचमुच में लाइक करते हो तभी तुम्हें उसे ढूंढने जाना चाहिए, वरना फिर से उसका हार्ट ब्रोक हो जाएगा। ये वो नहीं चाहती। फिर वो उसे एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मियो की मदर जब उसे छोड़कर चली गई थी तो वो हार्ट ब्रोकन थी। मैं उसके साथ हैंगआउट नहीं करती थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। तभी मियो ने मेरी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा कर लिया था। वो मेरी फ्रेंडशिप पाना चाहती थी और फिर वो खुद रोने लग गई थी। वो वहां से भाग गई थी, मैंने ही उसे रोका था। वो बहुत ही फ्रेजिल है, हमें उसे समझ लेना चाहिए। वो टफ है ऐसा प्रिटेंड करती है, पर अपने मन में वो बहुत ही सॉफ्ट है और हमेशा लोगों का बहुत ही ख्याल करती है। अब हिरोदो को बहुत ही बुरा लगता है। जब मियो के पेरेंट्स घर पर आते हैं तो मियो की मदर वहां आई हुई होती है। वो उनसे बोल रही होती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे स्मार्टफोन वगैरह देना चाहिए था, यानी कि वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकती थी। मियो की स्टेप मदर और मियो की मदर, इन दोनों में अब फाइट हो जाती है। मियो भी कैट बनकर ये देख रही होती है, पर वो इसे एंजॉय करती है और फिर वो वहां से चली जाती है। मियो फिर देखती है कि उसकी फ्रेंड उसे ढूंढ रही है। जब मियो हिरोदो के ग्रैंडडैड के पास आती है, क्योंकि हिरोदो वहां ही आएगा, तब हिरोदो के ग्रैंडडैड बोलते हैं कि वो मियो को ढूंढ रहा है। हिरोदो भी वापस आता है और अपने ग्रैंडडैड को उसे कवर करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मदर को बता देना कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, उसे पता न मत चलने देना कि वो मियो को ढूंढ रहा है। मियो को ढूंढने के लिए जब वो जा रहा होता है तो मियो एज अ कैट उस पर चढ़ जाती है और वो भी उसके साथ ही चलती है। हिरोदो थक जाता है और बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, वो एज अ पर्सन वो बहुत ही गलत है, ऐसा उसे लग रहा होता है। पर मियो अब उसे कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही सही है, वो अपने फ्रेंड्स का फैमिली का बहुत ही ख्याल रखता है, वो एक कंपैशनेट पर्सन है, वो बहुत ही स्मार्ट भी है, और ये सब वो उसे कह नहीं पाती। अब उसे हियरिंग का भी प्रॉब्लम आने लग जाता है। वो अब कैट में पूरी कन्वर्ट हो रही होती है, अब ह्यूमन की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही होती है। वो डिसाइड कर लेती है कि अब उसे फिर से ह्यूमन बनना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि एक दो दिन अब गुजर चुके हैं। मियो की जगह पर और एक लड़की आ जाती है और वो मियो की तरह प्रिटेंड करती है। मियो का इस फेस उस पर होता है। इसका मतलब है अब मियो का ह्यूमन फेस किसी कैट के पास है। वो अब मियो बनकर उसके स्कूल में जा रही है, उसकी लाइफ जी रही है। मियो देखकर बहुत ही डिस्टर्ब होती है। मियो के फ्रेंड ये नोटिस करते हैं कि मियो बहुत ही अलग अलग लग रही है। ये जो नई मियो होती है एक क्लास में बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, लोगों को हंसाती है। एक्चुअल मियो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जब रात होती है तो ये फेक मियो फिर से अपने फैमिली के पास चली जाती है। नेक्स्ट दिन ये नई मियो हिरोदो को भी प्रपोज करती है। हिरोदो इसके लिए मना कर देता है। फिर ये जब स्ट्रीट में होती है तब मियो उसे मिलती है। उसे कहती है कि मुझे फिर से ह्यूमन बनना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर नई मियो भी कहती है मुझे भी ह्यूमन बनने में इतना अब इंटरेस्ट नहीं रहा। ये जो होती है ये एक्चुअल में टीचर की कैट होती है। मियो उस टीचर से बात नहीं करती तो उस टीचर को बहुत ही बुरा लगता है। फिर इस कैट ने डिसाइड किया होता है कि अगर वो मियो के फेस में आ जाए, मियो बन जाए, तो उस टीचर को वो मियो का प्यार दे सकती है। पर अब वो टीचर बहुत ही दुखी होती है, उसे उसकी कैट फिर से वापस चाहिए होती है। इसलिए ये अब मियो बनी हुई कैट जो होती है वो मियो से कहती है कि मैं भी ह्यूमन बनना नहीं चाहती, मैं भी फिर से कैट बनना चाहती हूँ। पर उन्हें अब प्रॉब्लम होता है। मियो जो होती है उसकी लाइफ दो हिस्सों में बट चुकी होती है। एक ये कैट के पास होता है और जो कैटमैन था उसके पास उसकी हाफ लाइफ है। फिर ये टीचर की कैट उसे गाइड करती है। वो कहती है ये जो वे है इस वे से तुम जाओ, ये एक रेड वेलवेट की तरह एक वे होता है, हिल पर वो आ जाती है। ये जो हिल होती है ये एक नए वर्ल्ड का रास्ता होती है। ये जो टीचर की कैट होती है उसे ये भी कहती है तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है, आज रात में कैट का जो वर्ल्ड होता है उस वर्ल्ड में एक बड़ा सा ट्री होता है, वहां वो ट्री फिर से जाग जाने वाला होता है,
अगर वो जाग गया तो हमेशा के लिए मियो कैट ही बन जाएगी। फिर मियो उस वे को देखती है, कैट के वर्ल्ड में वो पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर की जो कैट होती है उसे हीरोदो को कॉल आता है। ये दोनों फेस्टिवल में जाने वाले होते हैं। जब वे घर से निकलती है तब टीचर उसे मिलती है। ये टीचर बहुत ही सैड होती है क्योंकि अब उसे अपनी कैट नहीं मिल रही। उसकी कैट फिर एज अ मियो उससे कहती है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, तुम्हारी कैट तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करती है, वो तुम्हारी कंपनी को बहुत ही पसंद करती है। वो एज ए ह्यूमन उससे अब लास्ट बार बात करेगी क्योंकि वो फिर से कैट बनने वाली है, इसलिए वो ये सब उसे कहकर चली जाती है। जब ये टीचर की कैट हीरोदो के पास आती है तब हीरो को सब सच्चाई वो बता देती है। हीरोदो को भी इस पर बिली होता है क्योंकि उस कैट का और मियो का दोनों का स्मेल सेम था, तो उसे कैट के वर्ल्ड में लेकर आती है। मियो भी वहां होती है और मियो उस कैट आदमी को ढूंढ रही होती है। वो वहां सब लोगों से पूछ रही होती है कि वो कैटमैन कहाँ है, पर किसी को भी पता नहीं होता। फिर एक कैट उसे ढूंढ लेती है, उसे बोलती है क्या तुम ह्यूमन हो, फिर वो उसे एक बार में लेकर आती है। ये जो बार होता है इसमें पहले सब ह्यूमन थे और फिर वो कैट बन चुके हैं। इन सबको अब बहुत ही रिग्रेट हो रही होती है कि वो कैट बन गए हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे थे इसी वजह से वो कैट बने थे। वो उसे समझाते हैं, वो मियो को कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत लाइफ है, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। मियो भी अब चाहती है कि वो ह्यूमन बन सके, तो ये उन्हें कहती है। वो भी अब उसे फिर से ह्यूमन बनने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। टीचर की कैट और हीरो दो उस पेड़ के पास आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद कैटमैन वहाँ आता है। वो एक मास्क लेता है और हीरो दो के ऊपर चढ़ा देता है। इससे हीरो दो के हाथ कैट जैसे बन जाते हैं। वो वहाँ हीरो दो और टीचर की कैट को दोनों को बंद कर वहां से चला जाता है। मियो को पता चलता है कि हीरो दो उसे ढूंढने के लिए आया है। ये सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है। जहाँ पर हीरो दो बंद होता है वहां से उसे वो बचाती है और बाहर निकाल लेती है। तभी ये कैटमैन वहां आता है और मियो को पकड़ लेता है। उसे लेकर वो जा रहा होता है पर मियो स्लिप हो जाती है। मियो हीरोदो के पास जाती है। हीरोदो भी उसे देखता है और बड़े से एक रोपवे से वो कूद जाता है। उसके पास वो आ जाता है। वो उसे कहता है कि हमेशा से तू मुझे हेल्प कर रही थी, उसके लिए थैंकफुल होता है। वो उससे अब प्यार करने लग गया है तो ये भी उसे जता देता है। कैटमैन फिर इन दोनों को पकड़ लेता है। ये उन्हें उस ट्री के पास लेकर आता है। ये ट्री अब जागने वाली होती है और ये दोनों हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाने वाले होते हैं। ये उसे बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों को फिर से ह्यूमन होने दो। ये फिर इस कैटमैन से झगड़ लेते हैं। मियो अब ट्राई करती है कि फिर से वो ह्यूमन बन पाए। उसके पास मास्क भी आ जाता है। वो जब ट्राई करती है तो वो बन नहीं पाती। उसके मन में अभी भी डाउट होता है कि वो अगर ह्यूमन बन पाए तो फिर से वो अपने रिलेशनशिप को सही नहीं कर पाएगी। हीरो तो उस कैटमैन से झगड़ा करता है। वो जो कैटमैन होता है अब मियो से उसकी सोल निकाल रहा होता है, उसकी ह्यूमन सोल वो निकाल रहा होता है। तभी उससे वो छीन लेता है, एक क्रिस्टल के रूप में बन जाती है। अब ये जो कैटमैन होता है उन पर भारी पड़ रहा होता है, पर मियो ने जो नए फ्रेंड्स बनाए थे, जो पहले ह्यूमन थे और कैट्स बन चुके हैं, वो उन्हें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो कैटमैन को जकड़ लेते हैं और उसे हरा देते हैं। अब हीरो तो मियो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम कैसी हो ये जान लेना है। उसे अपने दिल का इजहार करता है। उसके बाद मियो को अब यकीन हो जाता है कि उसे ह्यूमन बनना है और अपने रिलेशनशिप को वो अच्छा कर सकती है। ये सब लोग फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो अपने मास्क ट्राई करते हैं, फिर से वो अपने रूप में आ जाते हैं। मियो फिर से ह्यूमन बन चुकी है। जो टीचर की कैट थी वो फिर से कैट बन चुकी है। मियो और हीरो दो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में क्रेडिट जब रोल होते हैं तो हमें दिखता है कि टीचर को उसकी कैट मिल गई है, वो हैप्पी है। हीरोदो और मियो भी एक दूसरे के पैर में है और वो भी हैप्पी है। हीरोदो के लिए उसकी जो फ्रेंड थी जो हमेशा उसका केयर करती थी वो भी उसके लिए बहुत ही खुश है। ये सब एक हैप्पी नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही अच्छी एक न्यू थीम इस मूवी में हमें इंट्रोड्यूस हुई है। बहुत ही सही मूवी है, अगर आपको वक्त मिले तो जरूर इसे देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।